भिंड जिले में दूध का काला कारोबार जोरों से चल रहा है। भिंड जिले और फूड सेफ्टी अफसरों ने मानपुरा गांव से सर्वेश नरवरिया और संतोष नरवरिया की डेयरी पर छापामार कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में नकली दूध तैयार करने वाला केमिकल समेत अन्य सामग्री भी जब्त की है, जहां पुलिस और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने करीब 5,000 लीटर नकली दूध जब्त किया है जो केमिकल्स से बनाया गया था और दिखने में हूबहू असली दूध जैसा है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से 300 किलो क्रीम, 100 किलो के करीब मिलावटी घी, पाम ऑयल, 6 कट्टा माल्टोस पाउडर, 10 लीटर एथेनॉल, 50 लीटर घुला हुआ केमिकल, 10 लीटर शैंपू जैसा पदार्थ जब्त किया है। इन सब चीजों को मिलाकर ये जहरीला दूध बनाया जा रहा था जो आपके और हम सबके घरों तक सीधा पहुंचता है। छापामार कार्रवाई में एक पिकअप वाहन और एक टेम्पो भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों सर्वेश नरवरिया और संतोष नरवरिया को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि आज मानपुरा पर देवी नरवरिया की डेयरी है और उसके पुत्र संतोष नरवरिया के द्वारा और देवी नरवरिया के द्वारा मिलकर नकली दूध का व्यवसाय किया जा रहा है और नकली दूध मौके पर उनके घर पर तैयार किया जाता है। उसके बाद उसको दूध को बाजार में खपाया जाता है। यहाँ से लगभग 5,000 लीटर नकली दूध मिला हुआ है और नकली दूध बनाने की सामग्री जैसे माल्टोडेक्सिन पाउडर, रेंजी, रिफाइंड पाम कर्नल ऑयल और बिलक्रीम रिफाइंड पाम कर्नल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, उसके अलावा रेंजी दूध में बनाने के लिए शैम्पू आदि सामान मिला हुआ है जो नकली दूध तैयार करने में उपयोग किया जाता है। लगभग 200 किलो तो घी है और कम से कम 500 किलो क्रीम, उसके अलावा 5,000 लीटर दूध मिला हुआ है। अब उसमें से कितना नकली है कितना असली है जांच उपरांत पता चलेगा। लगभग 3 से 4 लाख रुपए इसकी कीमत होगी माल की। कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार, SP महोदय के निर्देश अनुसार एवं CMHO साहब के आदेश से एक अभियान मिलावट से मुक्ति अभियान चल रहा है CM साहब का। उसमें हमारे द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। कम से कम 25 FIR हम लोगों के द्वारा दायर कर दी गई है थाने में, लेकिन उसके बाद भी नए नए मिलावट खोर पैदा होते जा रहे हैं। इनके यहाँ पहली बार कार्रवाई हो रही है और इन्होंने मिलावट का गोरख धंधा भी फिलहाल ही शुरू किया है। कार्रवाई पुलिस के सहयोग से ही की जाती है और दोनों विभाग मिलकर ही करते हैं। अकेले फूड विभाग या अकेला पुलिस विभाग कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। दोनों विभाग मिलकर कार्रवाई को अंजाम